आलू कोफ्ता बिरयानी। आलू कोफ्ता बिरयानी बनाने की विधि। चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखें, फिर तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए, इसमें शाहजीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी डालेंगे। मसाला जब थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें काजू डालें। फिर कुछ प्याज के टुकड़े और गुलाबी रंग आने तक इसे भूनें नमक डालते हुए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर अच्छे से सौटे करें। फिर चावल के हिसाब से हम 4 कप पानी डालेंगे। अब नमक डालकर भिगोया हुआ 2 कप चावल डालेंगे। एक बार मिलाकर इसका ढक्कन लगा दें इसे पकने के लिए। इस बीच हम एक बाउल में उबले और मैश्ड आलू ले लेते हैं और फिर छोटे ब्लेंडर में प्याज, अदरक, लहसुन मिलाकर इसका एक मोटा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसे भी आलू में ऐसे मिला लें। साथ में लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बेसन और नमक मिलाकर कोफ्ता बना लेते हैं। तब तक हम चावल देख लेते हैं, लगभग पक चुका है। बस एक बार और चलाकर 2 मिनट इसे पकने दें। चावल पकने के बाद इसे एक तरफ रख लें। अब पैन रखकर इसमें थोड़ा तेल डालें, फिर तैयार कोफ्ता को कॉर्नफ्लोर में डिप कर इस पैन पर ऐसे रखें। अब आराम से एक चम्मच की सहायता से पलटकर चारों ओर इसे पका लें। इसके बाद अब एक बाउल में दही, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल लें। मिलाने से पहले कोफ्ता में हम पुदीना, हरा धनिया डालकर ऐसे टॉस कर लेते हैं। अब इसमें दही का पेस्ट डाल दें। अब खोया या कंडेंस्ड मिल्क चाहे जो, बस डालकर इसमें पकाया हुआ चावल भी डाल दें और ऊपर से फ्राइड ब्राउन ऑनियंस छिड़क कर ढक दें। आखिरी में बस और 3 मिनट के बाद चूल्हा ऑफ कर दें। आलू कोफ्ता बिरयानी तो तैयार है। इस हॉट हॉट बिरयानी को ठंडा ठंडा दही रायता के साथ सर्व करें।